अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक है। आज हमारे पास क्वेश्चन है 2.4 का, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने किया था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, वो भी टेक्निकल था, ये उससे थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। अब हमारे पास सबसे पहले स्टेप जो होता है, क्वेश्चन है हमारे पास y इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस वन इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस फोर। अब हमारे पास जो पहला स्टेप होता है, पहला स्टेप जस्ट हमारा सिंपल इतना होता है कि हम लोगों ने डिफरेंशिएट का साइन अप्लाई करना होता है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर भी डिफरेंशिएट का साइन अप्लाई करनी है, एक्स स्क्वेयर प्लस फोर वन ओवर टू, ये अंडर रूट को मैं वन ओवर टू की फॉर्म में लिया है। अब यहाँ पर क्या करना है, अब आप यहाँ देखेंगे दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब दो चीज़ें आपस में जब मल्टीप्लाई होंगी तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, ये दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब जब दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो वहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल लगाते होते हैं, पहला वैसे के वैसे, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड वैसे ही और फर्स्ट वन का डेरिवेटिव। इसी तरह से यहाँ पर भी दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो यहाँ पर प्रोडक्ट टू लगेगा, पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव लेंगे तो वन आएगा, लिखने की जरूरत नहीं, तो इसको मैंने अंडर रूट में लिख दिया। अब मैंने क्या करना है, अब सिंपल स्टेप्स हैं। अब यहाँ पर हमारे पास पावर रूल लग जाएगा, टू एक्स और ये माइनस वन तो जीरो हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस वन डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पर पावर रूल है, पावर शुरू में, पावर में से एक कम हो जाएगी तो माइनस वन ओवर टू आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद वेरिएबल का फर्दर डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वेयर का टू एक्स आ जाएगा वेरिएबल डेरिवेटिव, और फोर का तो जीरो ही आएगा। अब यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस फोर। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब हमने आगे क्या करना है, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा, टू एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस वन डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू एक्स। अब मैं इसको नीचे ले आऊँगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, टू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस फोर और ये टू एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस फोर, ये टू टू से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये एक्स और ये एक्स, ये एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस फोर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस फोर और ये एक्स टू एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस वन और ये डी वाई होगा डी एक्स, ये एज इट इज आ जाएगा। अच्छा, ये हमारा एज इट इज आ गया। अच्छा, अब हमने यहाँ क्या करना है, अब हम यहाँ देखें तो यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं, टू एक्स स्क्वेयर प्लस फोर एक्स स्क्वेयर। अब यहाँ पर भी अंडर रूट है, यहाँ पर भी अंडर रूट है, अंडर रूट को कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस फोर। ओके, और एक्स स्क्वेयर माइनस वन और डी वाई ओवर डी एक्स। अब ये जो चीज़ है टू एक्स वाई, इसको मैं इधर ले आता हूँ तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है, यहाँ पर आके ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस टू एक्स वाई, अच्छा डी वाई ओवर डी एक्स, और ये एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर टू एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, प्लस फोर अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस फोर माइनस टू एक्स वाई। ओके,
इससे आगे अब हमें क्या करना है, इससे आगे सिंपली अब यहाँ पर फिर हम लोग, यहाँ पर एक और चीज़ देखनी है, यहाँ पर एक और चीज़ ये देखनी है कि यहाँ पर वाई है, वाई की वैल्यू हम लोगों ने निकालनी है। अब वाई की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, वाई की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से, इस क्वेश्चन से। अब वाई की हम वैल्यू निकालते हैं किस तरह से, इसको हम उठा के इसके नीचे ले जाते हैं तो वाई की वैल्यू निकल आएगी, वाई इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 4 और एक्स स्क्वेयर माइनस 1। ये हमारे पास वाई की वैल्यू आ गई। अब ये वाई की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर पुट कर देनी है, मीन्स इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ। तो अब हमने वाई की वैल्यू पुट, वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में हम लोगों ने वाई की वैल्यू को पुट कर देना है, मीन्स कि यहाँ पर पुट करना है। अब ये वाई की वैल्यू हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है, तो वाई की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे टू एक्स स्क्वेयर प्लस 4 अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 4 माइनस 2x, और y की वैल्यू पुट कर देनी इधर x अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 4 और एक्स स्क्वेयर माइनस 1। ये y की वैल्यू पुट कर दी है, इसको एक साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x स्क्वेयर अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 4 एक्स स्क्वेयर माइनस 1, और ये एक्स स्क्वेयर प्लस 4 और अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 4, और यहाँ से ये एक्स स्क्वेयर माइनस 1 और डी वाई ओवर डी एक्स। अच्छा, इसके बाद अब हमने क्या करना है, इसको उठा के इधर ले आएंगे, क्योंकि हम लोगों ने डी वाई ओवर डी एक्स निकालना होता है। अच्छा, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 4 अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 4 माइनस 2x स्क्वेयर अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 4 एक्स स्क्वेयर माइनस 1। अब इसको इधर लेके आएंगे तो साइन चेंज, एक्स स्क्वेयर माइनस 1। अच्छा, अब इनका एलसीएम ले लेना ओवरऑल, तो ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 4 एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस 4 एक्स स्क्वेयर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और ये एक्स स्क्वेयर प्लस 4। अब ये चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2x4 माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 4x स्क्वेयर माइनस 4 माइनस 2x4 माइनस 8x स्क्वेयर, और ये वैसे ही आ जाएगा। अच्छा, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, अब ये और ये माइनस के आ जाएंगे 10x स्क्वेयर। अच्छा, तो ये ठीक है 10x स्क्वेयर, और प्लस का 4x स्क्वेयर माइनस का 4 एक्स स्क्वेयर प्लस 4 एक्स स्क्वेयर माइनस 1, और ये इसके। अच्छा, इसके बाद अब ये भी एक्स स्क्वेयर है, ये भी अब माइनस 10 में से 4 निकाल देंगे, माइनस के 6 एक्स स्क्वेयर माइनस के 4 एक्स स्क्वेयर प्लस 4 अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1 एक्स स्क्वेयर। अच्छा, अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं और 2 कॉमन ले लेते हैं, माइनस का 2 कॉमन आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया और 2 कॉमन ले लिया, यह आ जाएगा 3x स्क्वेयर प्लस का 2 और एक्स स्क्वेयर प्लस 4 एक्स स्क्वेयर माइनस होल का एक्स स्क्वेयर और डी ओवर डी एक्स। ये आंसर है, अब उसमें अरेंजमेंट की भी होगी, बुक के आंसर में ये पहले लिखा होगा ये बाद में लिखा होगा, लेकिन एग्जैक्ट आंसर यही है। तो अब इस क्वेश्चन को एक बार फिर से अगर रिपीट करते चलें, तो क्वेश्चन के अंदर अब हम देखें, तो अब ये ज़रा लॉन्ग क्वेश्चन है तो ये इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए लंबा भी है।
अब इसके अंदर हमने किया क्या, इसके अंदर हमने किया यही है कि हम लोगों ने सिर्फ सिंपल डेरिवेटिव अप्लाई किया है। डेरिवेटिव अप्लाई करने के बाद हमने अपना यहाँ पर प्रोडक्ट टू लगा दिया, क्योंकि दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी। अब जब हमने प्रोडक्ट टू लगाया तो उसको आगे हम सिंप्लीफाई करते रहे। सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर मेन स्टेप ये करना है कि यहाँ पर वाई की वैल्यू निकालनी है। वाई की वैल्यू निकालने के बाद वाई की वैल्यू हम लोगों ने पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर वन में। इक्वेशन नंबर वन में जब हम वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों ने इक्वेशन वन में वाई की वैल्यू पुट कर दी। वाई की वैल्यू पुट करने के बाद हम लोगों ने सिंपली एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद हम लोगों ने सिंपली उसको सिंप्लीफाई करते हुए आंसर हमारा आ जाएगा माइनस टू इंटू एक्स स्क्वेयर थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस फोर और अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस फोर इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस वन का होल स्क्वेयर। ये हमारे पास आंसर है। सो दिस इज द मेन एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ 2.4 एक्सरसाइज। So I will catch you another time. Thank you very much. Assalamu alaikum.